हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको उसके अंदर आपका आपका मोबाइल नंबर जो है आपको अपडेट करना है या चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे अपडेट कर सकते हो, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप मेन स्टेप मिस कर दोगे, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के जीमेल में आना है। जीमेल में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंपोज पर क्लिक कर देना है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पर आपका नंबर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ईमेल करना होगा। तो आप यहाँ पर ईमेल करने से पहले फर्स्ट क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है डियर सर एंड मैडम। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद लिखना है नेम। तो जो आपका नेम रहेगा आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर कर लेना है। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका ओल्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद लिखना है ओल्ड मोबाइल नंबर। तो जो आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपको यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड में, वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद लिखना है अपडेट मोबाइल नंबर। जो आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, न्यू मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना लिख लेना है। न्यू मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लिखनी है। तो जो मैं रिक्वेस्ट लिखूँगा एज इट इज़ सेम, आपको वही रिक्वेस्ट लिखनी है। उससे वो रिक्वेस्ट से आपका जो मोबाइल नंबर है चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट में क्या लिखोगे, आप रिक्वेस्ट में लिखेंगे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ चेंज ऑफ मोबाइल नंबर फॉर माई क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है फिर आई वुड लाइक टू हैव माई क्रेडिट कार्ड अकाउंट अपडेट विथ अबाव मैंशन नंबर। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सो प्लीज़ चेंज माई मोबाइल नंबर एज सून एज पॉसिबल। आपको ध्यान रखना है, आपको ये रिक्वेस्ट प्रॉपर लिखना है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी रिक्वेस्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको रिक्वेस्ट में ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो रिक्वेस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। लिखने के बाद आपका जो ईमेल है यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपका जो रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार कन्फर्मेशन कर लेना है कहीं आपने कुछ लिखने में मिस्टेक तो नहीं करे हो। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। सेकेंड आपको यहाँ पर अपना ओल्ड मोबाइल नंबर एंड आपका नेम, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कंफर्म कर लेना है। आपको ध्यान रखना है आपके यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर में ज़रा सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मोबाइल नंबर में ज़रा सी मिस्टेक होगी तो आपका वही मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट करके शो हो रहा होगा, तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना है। आप वहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में लिखना है क्रेडिट कार्ड मोबाइल। आपको यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट में लिखना है क्रेडिट कार्ड मोबाइल नंबर चेंज रिक्वेस्ट, या आप ये भी लिख सकते हो मोबाइल नंबर चेंज रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पर लिखना मोबाइल नंबर चेंज रिक्वेस्ट। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर टू साइड शो हो रहा होगा। तो टू साइड क्या करना है, आपको आपके एक्सिस बैंक की कस्टमर केयर की ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लेनी है, जो आपको उनकी वेबसाइट या उनके ऐप में मिल जाएगी। एंटर करने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी, एंड आपको आपके एक्सिस बैंक की तरफ से मेल आएगा कि जो आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना था आपके एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो गाइज, आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड आपका जो मोबाइल नंबर आपको चेंज करना था आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।